नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, इस क्लास में हम उत्तराखंड वीकली करंट अफेयर्स पढ़ने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, इस वीक में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बने हैं वह सभी हम इस क्लास में पढ़ेंगे। साथ ही दोस्तों, हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल में भी जानेंगे जिससे आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो सके। फ्रेंड्स, अगर आपने पिछले मंथ की करंट अफेयर्स की क्लास नहीं देखी है तो आप उसे जरूर देखिएगा, उसमें सभी क्वेश्चंस दोस्तों इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए क्लास शुरू कर लेते हैं आज के अपने इस क्लास को, जिसका पहला प्रश्न है, बताना है दोस्तों भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2024 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड में। दोस्तों, उत्तराखंड में भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2024 का 8वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। फ्रेंड्स, इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन 30 सितंबर को शुरू हुआ। ठीक है, कहाँ शुरू हुआ? तो दोस्तों, उत्तराखंड के ओली में पर्वतीय सूर्या विदेशी प्रशिक्षण नोड में हुआ है। फ्रेंड्स, इसका आयोजन 13 अक्टूबर तक किया जाएगा। तो याद रखेगा कि 30 सितंबर को शुरू हुआ और दोस्तों 13 अक्टूबर को इसका समापन होगा। ठीक है, और कहाँ पर आयोजन किया जा रहा है? ओली चमोली में। कौन सा संस्करण है? 8वां संस्करण। ठीक है फ्रेंड्स, वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का पिछला संस्करण 30 अक्टूबर से 11 नवंबर 2023 तक कजाकिस्तान के ओटार में आयोजित किया गया था। दोस्तों, इसका एक संस्करण भारत में और दूसरा संस्करण दोस्तों कजाकिस्तान में आयोजित किया जाता है। तो पिछले साल दोस्तों कजाकिस्तान में आयोजित किया गया था और इस साल इसका आयोजन भारत में किया जा रहा है। ठीक है, यह दोस्तों एक द्विपक्षीय युद्धाभ्यास है जिसका पहली बार आयोजन 2016 में किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, बताना है कि हिमालय का इतिहास पुस्तक के लेखक हैं। फ्रेंड्स, हिमालय का इतिहास इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर मदन चंद्र भट्ट। ठीक है, तो महत्वपूर्ण पुस्तक है, याद रखिएगा। दोस्तों, इसका हाल ही में विमोचन किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि प्रसिद्ध इतिहासकार हैं मदन चंद्र भट्ट, इनकी पुस्तक हिमालय का इतिहास का विमोचन दून पुस्तकालय और शोध केंद्र के सभागार में किया गया है। ठीक है, तो हाल ही में दोस्तों इसका विमोचन किया गया। इसके अलावा दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, जैसे उत्तराखंड का इतिहास। तो उत्तराखंड का इतिहास इसके लेखक हैं दोस्तों शिव प्रसाद डबराल ने ही दोस्तों टिहरी का इतिहास भी लिखा, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि कुमाऊं का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपको बताना है बीडी पांडे। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि गढ़वाल का इतिहास, तो हरिकृष्ण रतूड़ी। अगर आपसे पूछा जाए कि हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल, तो आपको बताना होगा अजय सिंह रावत। ठीक है, तो ये कुछ पुस्तकें हैं जो आप याद रखिएगा, ये दोस्तों बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। तीसरा प्रश्न है कि उत्तराखंड में निम्न में से किसे राष्ट्रीय पर्यावरण सेवी सम्मान से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रीय पर्यावरण सेवी सम्मान से सम्मानित किया गया है सुरेश भाई को। सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए। फ्रेंड्स, सुरेश भाई ये दोस्तों रक्षा सूत्र आंदोलन के लिए जाने जाते हैं। रक्षा सूत्र आंदोलन यह दोस्तों 1994 में शुरू हुआ था। ठीक है, जो कि दोस्तों वनों की कटाई से संबंधित था। फ्रेंड्स, उत्तराखंड के सुरेश भाई को प्रसिद्ध पर्यावरणविद अनुपम मिश्र की याद में राष्ट्रीय पर्यावरण सेवी सम्मान प्रदान किया गया है। ठीक है, चौथा प्रश्न है कि हाल ही में आयोजित उत्तराखंड प्रीमियर लीग 2024 की विजेता टीम कौन सी है। तो दोस्तों, हमने ये क्वेश्चन पिछली क्लास में भी पढ़ा था, तो आपको बताना है कि उत्तराखंड प्रीमियर लीग 2024 की विजेता टीम कौन है। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, उधम सिंह नगर। फ्रेंड्स, उधम सिंह नगर ने नैनीताल टीम को हराकर इस प्रीमियर लीग का खिताब अपने नाम किया है। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड प्रीमियर लीग 2024 UPL 2024 का फाइनल उधम सिंह नगर की टीम ने अपने नाम किया। फ्रेंड्स, विजेता टीम को 25 लाख रुपए की धनराशि भी दी गई, याद रखेगा। फ्रेंड्स, युवराज चौधरी को प्लेयर ऑफ द फाइनल का खिताब मिला। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों राज्य सरकार के द्वारा खेल को बढ़ावा दिया जा रहा है और इसलिए दोस्तों इस लीग का आयोजन किया गया। ठीक है, तो क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। पांचवा प्रश्न है कि
द्वितीय सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता 2024 के तहत कितने गांवों को सम्मानित किया गया? सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी 36। फ्रेंड्स, द्वितीय सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता 2024 के तहत देश के 36 गांवों को सम्मानित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, उत्तराखंड के 4 गांव इसमें शामिल हैं, याद रखिएगा। ठीक है, कौन कौन से गांव हैं तो ये भी दोस्तों हम जान लेते हैं। तो दोस्तों, इन 4 गांवों में पहला गांव है जखोल गांव, जो कि उत्तरकाशी में स्थित है। ये दोस्तों साहसिक पर्यटन श्रेणी के लिए चुना गया है। दूसरा गांव है दोस्तों हरसिल, यह भी उत्तरकाशी में स्थित है और ये दोस्तों वाइब्रेट विलेज श्रेणी में चुना गया है। तीसरा गांव है दोस्तों गुंजी और यह है दोस्तों पिथौरागढ़ में स्थित है, ये भी दोस्तों वाइब्रेट विलेज श्रेणी के लिए चुना गया। चौथा गांव है दोस्तों सूपी गांव, जो कि नैनीताल में स्थित है और यह दोस्तों कृषि आधारित पर्यटन श्रेणी के लिए चुना गया है। ठीक है दोस्तों, हमने ये क्वेश्चन अपनी पिछली क्लास में भी पढ़ा था। ठीक है, और उसमें दोस्तों कमेंट्स आ रहे थे कि जो सूपी गांव है वह बागेश्वर में स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो आपको फोटो दिखाई दे रहा होगा ये दोस्तों उत्तराखंड सरकार के द्वारा जारी किया गया है और उसी के अनुसार दोस्तों आपको बताया गया है। ठीक है, तो आप दोस्तों बागेश्वर भी याद रखिएगा, हो सकता है बागेश्वर में भी हो ये गाँव होगा, क्योंकि दोस्तों एक ही नाम से कई गाँव होते हैं। ठीक है, जगह जगह आपको गांव देखने को मिलेंगे एक ही नाम से। ठीक है, तो हो सकता है बागेश्वर में भी कोई सूपी गांव हो। ठीक है, पर दोस्तों ये जो नोटिस जारी किया गया था ये दोस्तों उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा जारी किया गया, पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, तो उसमें दोस्तों इस सूपी गांव को नैनीताल में बताया गया है, जो कि कृषि आधारित पर्यटन के लिए चुना गया। ठीक है, तो ये थे दोस्तों 4 गांव, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, इससे दोस्तों आपके एग्जाम में प्रश्न जरूर बनेगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताना है दोस्तों, निम्न में से किसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी मिथुन चक्रवर्ती। दोस्तों मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 से नवाजा जाएगा, तो ऑप्शन बी हमारा राइट रहेगा, याद रखेगा। फ्रेंड्स, मिथुन चक्रवर्ती को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इन्हें यह पुरस्कार 8 अक्टूबर 2024 को 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स के दौरान दिया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स का आयोजन किया जाएगा उसमें दोस्तों यह पुरस्कार इन्हें दिया जाएगा। बात करेंगे हम दादा साहब फाल्के पुरस्कार की, तो दोस्तों इसकी शुरुआत 1969 में की गई थी, जो कि दोस्तों भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा पुरस्कार है। यह पुरस्कार दोस्तों दादा साहब फाल्के की याद में दिया जाता है और दादा साहब फाल्के को ही दोस्तों भारत में सिनेमा का जनक बोला जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी QS वर्ल्ड रैंकिंग 2025 में कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष पर रहा है? दोस्तों जो हाल ही में ये रैंक जारी की गई है ये 2025 के लिए है, याद रखिएगा। इसमें दोस्तों भारत का IIM बेंगलुरु शीर्ष स्थान पर रहा है, तो ऑप्शन ए दोस्तों हमारा राइट रहेगा। दूसरे स्थान पर अहमदाबाद रहा और तीसरे स्थान पर दोस्तों IIM कोलकाता रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, QS वर्ल्ड रैंकिंग 2025 भारतीय संस्थानों में IIM बेंगलुरु सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला बिजनेस संस्थान है। टॉप 100 MBA संस्थानों में 4 भारतीय संस्थान शामिल हैं, याद रखिएगा। ठीक है, पांचवें राज्य ओलंपिक खेलों का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए रुद्रपुर में। दोस्तों पांचवें राज्य ओलंपिक खेलों का उद्घाटन हाल ही में रुद्रपुर शहर में किया गया। ठीक है, इसका आयोजन किया गया था दोस्तों 20 सितंबर से 27 सितंबर के मध्य। ठीक है, तो ये डेट भी आप याद रखिएगा। ठीक है, और इसका उद्घाटन जो किया तो वह रुद्रपुर में किया था दोस्तों पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा। मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम रुद्रपुर में पांचवें राज्य ओलंपिक खेलों का उद्घाटन किया गया था। ठीक है, तो मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम कहाँ स्थित है? रुद्रपुर में स्थित है और यहाँ पर ही दोस्तों इन खेलों का उद्घाटन किया गया था।
फ्रेंड्स, खेलों का आयोजन रुद्रपुर, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल में हुआ, ये भी आप याद रखेगा, ठीक है। और इसका आयोजन कब से कब तक किया गया, तो 20 से 27 सितंबर के मध्य है किया गया, ठीक है। और दोस्तों, इन ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक पदक जो जीते तो वह दोस्तों देहरादून जिले के और उधम सिंह नगर जिले के खिलाड़ियों ने जीते हैं। पहले स्थान पर देहरादून रहा और दूसरे स्थान पर दोस्तों उधम सिंह नगर रहा है। नवा प्रश्न है कि देहरादून में संस्कृत ग्राम के लिए निम्न में से चिन्हित हुआ है, तो दोस्तों देहरादून में संस्कृत ग्राम के रूप में जो विकसित किया जाएगा तो वह दोस्तों भोगपुर गांव विकसित किया जाएगा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। दोस्तों राज्य में 13 जनपद हैं और हर एक जनपद में एक गांव संस्कृत गांव के रूप में विकसित किया जाना है, ठीक है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि देवभूमि उत्तराखंड की अतिरिक्त राजभाषा संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने सभी 13 जिलों में एक एक संस्कृत ग्राम चिन्हित कर दिया है, ठीक है। तो ये 13 के 13 आपको याद रखने हैं। कौन कौन से दोस्तों ये गांव हैं, तो प्रदेश में देहरादून के डोईवाला ब्लॉक में भोगपुर संस्कृत गांव के रूप में चिन्हित किया गया, ठीक है। टिहरी जिले के प्रताप नगर ब्लॉक में मुखेम गाँव चिन्हित किया गया है। उत्तरकाशी के मोरी ब्लॉक में कोट गाँव चिन्हित किया गया। रुद्रप्रयाग में दोस्तों अगस्त मुनि ब्लॉक का वेजी गांव चिन्हित किया गया है, ठीक है। चमोली के कर्णप्रयाग ब्लॉक का डिम्मर गांव चिन्हित किया गया। पौड़ी के दोस्तों खिरसु ब्लॉक का गोदा गांव चिन्हित किया गया है, ठीक है। पिथौरागढ़ के मूनाकोट ब्लॉक का उर्ग गांव चिन्हित किया गया और अल्मोड़ा के दोस्तों रानीखेत ब्लॉक का पांडे कोटा गांव चिन्हित किया गया है, ठीक है। फ्रेंड्स, बागेश्वर का सेरी गांव और चंपावत का खरक कारकी गांव चिन्हित किया गया है। तो ये 13 के 13 जनपद थे जिनमें एक एक गांव दोस्तों चिन्हित किया गया है। ये दोस्तों आपको मूजावानी याद होना चाहिए क्योंकि दोस्तों एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो एक स्कीम थी राज्य सरकार की, तो उसमें उत्तरकाशी जनपद का कौन सा प्रोडक्ट दोस्तों शामिल है, ये पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है। तो उसी की तरह दोस्तों इससे भी क्वेश्चन बन सकता है कि अल्मोड़ा का कौन सा गांव चिन्हित किया गया है संस्कृत गांव के रूप में, ठीक है। चमोली का कौन सा गांव चिन्हित किया गया है संस्कृत ग्राम के रूप में, तो आपको ये 13 के 13 गांव याद रखने हैं। और दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि हरिद्वार जिले के बहादुराबाद ब्लॉक का कौन सा गांव है, तो दोस्तों नूरपुर गांव और दोस्तों पंजन हेड़ी गांव, इन दो गांव को दोस्तों संस्कृत गांव के रूप में विकसित किया गया, ठीक है, या फिर चिन्हित किया गया है। 10वां प्रश्न है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस हाल ही में 2 अक्टूबर को मनाया गया। 2 अक्टूबर को दोस्तों गांधी जयंती होती है और लाल बहादुर शास्त्री जयंती भी होती है। गांधी जी की जयंती के अवसर पर दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 11वां प्रश्न है कि ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना का नाम बदलकर निम्न में से क्या रखा गया है, तो रखा गया है दोस्तों ग्रामोत्थान योजना। सही आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। दोस्तों हाल ही में ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना का नाम बदलकर ग्रामोत्थान योजना कर दिया गया है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों की आजीविका को उद्यमिता से जोड़कर सशक्त करना है, ठीक है। 12वां प्रश्न है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में गणभोज दिवस उत्तराखंड में कब मनाया गया, तो गणभोज दिवस हाल ही में दोस्तों 7 अक्टूबर को मनाया गया, मतलब मनाया जाएगा, ठीक है, ये घोषणा की है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि 7 अक्टूबर को दोस्तों गणभोज दिवस मनाया जाएगा, ठीक है। दोस्तों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 7 अक्टूबर को गणभोज दिवस मनाने का आह्वान किया है। इस वर्ष गणभोज दिवस का विषय गणभोज से निरोग काया पर आधारित रखा गया है, ठीक है। तो गणभोज जो दिवस मनाया जाएगा 7 अक्टूबर को, तो इसकी थीम आपको याद रखनी है, इसका विषय आपको याद रखना है कि गणभोज से निरोगी काया, ठीक है। 13वां प्रश्न है कि उत्तराखंड में राजभाषा गौरव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, दोस्तों उत्तराखंड में राजभाषा गौरव पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया वह प्रोफेसर गिरीश चंद्र को सम्मानित किया गया है।
सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। दोस्तों राजभाषा दिवस के अवसर पर राजभाषा गौरव पुरस्कार दिया गया था। राजभाषा दिवस जो होता है दोस्तों तो वह आपका 14 सितंबर को होता है, याद रखिएगा, जिसे हिंदी दिवस के रूप में भी मनाते हैं, ठीक है दोस्तों। इन्हें यह पुरस्कार 2023-24 के लिए मिला है। इन्हें यह पुरस्कार दोस्तों ब्रह्मांड के वैज्ञानिक रहस्यों से आम जनों को परिचित करने के उद्देश्य से हिंदी में लिखी गई उनकी पुस्तक विज्ञान और ब्रह्मांड इतिहास का आधुनिक अवधारणा के लिए देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, ठीक है, और इसलिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। ये पुरस्कार दोस्तों भारत सरकार के गृह एवं राजभाषा मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। 14 प्रश्न है कि क्रू 9 मिशन किसने लॉन्च किया है। दोस्तों क्रू 9 मिशन यह नासा और स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ए व बी दोनों। अगला प्रश्न है वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम का हाल ही में कहाँ उद्घाटन किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी, दुबई में। दोस्तों वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम का उद्घाटन जो किया गया हाल ही में तो वह दुबई में किया गया है। अगला प्रश्न है कि ISSF जूनियर 25 मीटर पिस्टल में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता है। तो दोस्तों इस प्रतिस्पर्धा में दिव्यांशी ने स्वर्ण पदक जीता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो दिव्यांशी का संबंध किस खेल से है, तो दोस्तों शूटिंग से है। अगला प्रश्न है कि पीएम मोदी ने किस राज्य में 4 बायोगैस यूनिट का अनावरण किया। तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम राज्य में 4 बायोगैस यूनिट का अनावरण किया है। 18वां प्रश्न है कि नीति आयोग ने हाल ही में महिला उद्यमिता मंच की शुरुआत किस राज्य के साथ की है। तो नीति आयोग ने दोस्तों हाल ही में महिला उद्यमिता मंच की जो शुरुआत की तो वह तेलंगाना राज्य के साथ की है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नीति आयोग की बात करेंगे दोस्तों तो ये महत्वपूर्ण एक आयोग है। इसकी स्थापना दोस्तों 1 जनवरी 2015 को की गई, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ये दोस्तों योजना आयोग को हटाकर बनाया गया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसका जो अध्यक्ष होता है तो वह आपका प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। उपाध्यक्ष जो होता है दोस्तों तो वह चुना जाता है 5 साल के लिए, और वर्तमान में कौन है तो दोस्तों सुमन वैरी इसके उपाध्यक्ष हैं। CEO कौन है आप कमेंट करके बताइएगा, और CEO का जो कार्यकाल होता है तो वह दोस्तों 3 साल का कार्यकाल होता है, ठीक है। तो ये सभी बातें आपको याद रखनी है नीति आयोग को लेकर। अगला प्रश्न है कि पीएम मोदी ने धरती आवा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत किस राज्य में की है। तो ये की है दोस्तों झारखंड राज्य में। सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, ठीक है। तो पीएम मोदी ने धरती आवा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत कहाँ की, झारखंड राज्य में की। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने 29 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जाना, हर एक क्वेश्चन को दोस्तों हमने डिटेल में जाना, एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ जाना, जिससे आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अगर आपका कोई भी डाउट बनता है तो आप दोस्तों कमेंट जरूर किया करें, आपके कमेंट का आंसर जरूर मिलेगा, ठीक है। आज का आपको होमवर्क है जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा कि गणभोज दिवस उत्तराखंड में कब मनाया जाएगा, ठीक है। तो कब मनाया जाएगा आप कमेंट करके बताइएगा, आपको ऊपर हम पढ़ाया था ये क्वेश्चन, ठीक है, और इसकी थीम क्या थी तो ये भी आपको कमेंट करके बताना है। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपने दोस्तों सितंबर महीने की करंट अफेयर्स की क्लास नहीं देखी है तो आप उसे जरूर देखिएगा। सितंबर महीने में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं करंट अफेयर्स के, ठीक है। अगर दोस्तों आपने हमारा नया चैनल जो उत्तराखंड उत्कर्ष है वह अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उस पर दोस्तों आज ही से आपकी GS की क्लास शुरू होने जा रही है, ठीक है। तो उस चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल का नाम है उत्तराखंड उत्कर्ष, ठीक है, और दोस्तों में भी शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जय हिंद।